दीपका खदान से कोयला चोरी करने वाले चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 16 दिसंबर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग का पिकअप वाहन में कुछ लोग दीपका खदान के पास ग्राम दर्रा खांचा हरदी बाजार से कोयला चोरी कर लोड कर रहे हैं। पुलिस पहुंची तो पिकअप वाहन क्रमांक CG12BA4316 में दो व्यक्ति कोयला लोड कर रहे थे। पुलिस ने पूछताछ किया तो उन लोगों ने अपना नाम सुमंत पटेल, पिता कार्तिक पटेल उम्र 25 वर्ष निवासी करनौदा भाटापारा जिला जांजगीर चांपा तथा देवनारायण यादव, पिता श्यामलाल यादव उम्र 23 वर्ष निवासी अमगांव दर्रा खांचा चौकी हरदी बाजार थाना कुशमुंडा जिला कोरबा का रहने वाला बताए। इन्हें कब्जे से पिकअप वाहन में भरा लगभग 2.5 टन कोयला जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए बरामद किया गया है। पकड़े गए लोगों ने कोयला के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। चोरी के प्रबल संभावना पर धारा 379-34 भारतीय दंड विधान कायम कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इसी प्रकार एक अन्य कार्यवाही में सफेद रंग का पिकअप वाहन में कोयला चोरी कर दीपका से बलौदा की ओर ले जा रहे दो लोगों को पुलिस ने दीपका बाईपास पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पिकअप वाहन का क्रमांक CG12AN4156 है जिसमें मुकेश पटेल, पिता परमेश्वर पटेल उम्र 24 वर्ष निवासी खपरीडी थाना गिधौरी जिला बलौदा बाजार और ड्राइवर के बगल में बैठी महिला का नाम अनामिका सिंह उम्र 39 साल निवासी आमगांव हरदी बाजार थाना कुशमुंडा बताए। इनके कब्जे से भी 2.5 टन कोयला बरामद कर कार्यवाही की गई है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।